सौतेली बेटी। नहीं ये मेरा किताब है, नहीं ये मेरा किताब है, नहीं ये मेरा किताब है, नहीं मैं स्कूल जाऊंगी, मैं पढ़ने जाऊंगी, नहीं ये मेरा किताब है। दोनों बच्चे लड़ रहे होते हैं, इतने में उसकी माँ आ जाती है। अरे करम जली, तू पढ़ के क्या करेगी, तू क्या डीएम बनेगी, मेरी बेटी को किताब पढ़ने दे। माँ मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। नहीं तू सौतेली बेटी है, तू मेरी बेटी नहीं है, तेरी माँ पैदा करके तुझे छोड़ के चली गई। देखो ना माँ, मुझे किताब पढ़ने नहीं देती। तू करम जल्दी किताब पढ़ के तू क्या करेगी, तू क्या डीएम बनेगी, तुझे मैंने पानी भरने के लिए बोला था, क्या पानी भर के लाई। माँ मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पानी भर के लाऊंगी। नहीं तुम पहले पानी भर के लाओ और खाना बनाओ, तब तो मेरी बेटी खाएगी, उसके बाद स्कूल जाएगी, तू क्या करेगी पढ़ के। माँ मैं भी पढ़ाई करूँगी, मैं भी स्कूल जाऊँगी। तुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा चपर चपर मत कर, नहीं तो इसी चूल्हे में तुझे भी जला दूँगी। तू मेरी सौतेली बेटी है, अपनी बेटी बनने की कोशिश मत कर। माँ अगर मैं सब दिन खाना बनाते रहूँगी तो पढ़ाई कब करूँगी। तुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुझे पढ़ना ही है ना तो जाओ अपने माँ के पास, तेरी माँ ऊपर गई है। पता नहीं करमजली आपने तो खुद मरी और इस करमजली को मेरे पास छोड़ के गई। माँ पहले मैं पानी भर के लाती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी। पानी भर के लाओ, उसके बाद खाना बनाओ, मेरी बेटी भूखी है, मेरी बेटी खाना खाएगी। अगर आधा घंटे के अंदर खाना नहीं बना तो मैं तुझे इसी चूल्हे में जला दूँगी। ठीक है माँ मैं जाती हूँ। फिर मुन्नी चिड़िया पानी भरने जाती है। क्या हुआ मुन्नी? मेरी माँ स्कूल नहीं जाने देती, मुझे भी पढ़ना है। मेरी माँ कहती है तुम पानी भरो, खाना बनाओ और मेरी छोटी बहन को खाना खिलाओ, मुझे कभी स्कूल जाने नहीं देती। वो तेरी सौतेली माँ है, तुझे कभी पढ़ने नहीं देगी, अगर तू पढ़ लिख लेगी तो बहुत आगे बढ़ जाएगी, इसीलिए तुझे पढ़ने नहीं देती है। अब मैं क्या करूं? अब तुम पानी भर के लेके जाओ और खाना बनाओ, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। और फिर मुन्नी चिड़िया पानी भर के ले आती है और खाना बनाने लगती है, तभी उसकी वहाँ माँ आ जाती है। अरे करम जली अभी तक तू खाना बना रही है, कब खाना बनाओगी, मेरी बेटी भूखी है। माँ अभी थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। एक घंटा से ऊपर हो गया और मेरा अभी तक खाना नहीं बना है। माँ अभी तुरंत खाना बन जाएगा। माँ अभी मैं तुझे इसी चूल्हे में जला देती हूँ, रुक मैं तुझे जला देती हूँ। और मुन्नी चिड़िया को चूल्हे में जलाने लगती है उसकी माँ, तभी आग उसकी माँ में लग जाती है और उसकी माँ जलने लगती है। अरे बाप रे बाप मुझे बचाओ, अरे बाप रे बाप मुझे बचाओ। और फिर उसकी माँ वहीं जल जाती है। फिर सभी चिड़िया वहाँ आ जाते हैं। अरे देखो मुन्नी की माँ जलकर मर गई, ठीक हुआ, अपनी बेटी को कितना परेशान करती थी। हाँ अपनी बेटी को प्यार करती थी और अपनी सौतेली बेटी को कितना परेशान करती थी, कभी स्कूल जाने नहीं देती थी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक हुआ। हाँ अच्छा हुआ अपनी बेटी को जला रही थी, खुद जल गई और मर गई, ठीक हुआ। और फिर मुन्नी चिड़िया और उसकी बहन उसी घर में खुशी खुशी रहने लगती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।